नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नीतीश कुमार, जो नीतीश कुमार कभी अपने आप को सुशासन कुमार कहलाते थे, जो नीतीश कुमार कभी अपने आप को कहते थे कि वो बिहार में सुशासन का राज चला रहे हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार को जितनी लानत मनानत भेजी जाए, जितना उन पर शर्मनाक जो है वो टिप्पणी की जाए, उतना कम है। कमाल की बात है, नीतीश कुमार के राज में नीतीश कुमार की बिहार की पुलिस वो शादी ब्याह के कार्यक्रम में घुस करके महिलाओं के कमरे में घुस रही है, दुल्हन के कमरे में घुस रही है और वहां पर उनकी इज्जत का बखेड़ा उधेड़ने का काम कर रही है। सबकी इज्जत होती है, जितनी नेताओं की इज्जत होती है, जितनी अधिकारियों की इज्जत होती है, उतना ही आम परिवार के व्यक्तियों की भी इज्जत होती है। लेकिन कैसे नीतीश कुमार की पुलिस शादी ब्याह के कार्यक्रम में घुस रही है, तस्वीरें आपको जो है परेशान करेंगी। और सोच करके देखिए, अपने आप अपने ऊपर लेकर के देखिए, अगर किसी के घर में कोई शादी का कार्यक्रम है, कोई और फंक्शन है, पार्टी है, और आपके घर में कोई पुलिस आ जाए, वहां पर 15-20 पुलिस वाले आकर के धमक जाए और आपकी बहन बेटियों के कमरे में घुस जाए और वहां पर जा करके वहां पर अलमारी खोलने का, उनके सूटकेस खोलने का काम करें, आपको अच्छा लगेगा? वैसे ही जो है वो पुलिस को देख करके शादी ब्याह के जब मामले होते हैं तो सोचता है आदमी की, तमाम तरह की बातें आती हैं। गांव के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लोग होते हैं कि फलाने के शादी में पुलिस आ गई, मालूम नहीं क्या क्या बातें लोग जोड़ देते हैं। और ऐसे जो है वो आम लोगों की इज्जत को ये लोग उछालने का काम कर रहे हैं, बेहद शर्मनाक है। और केवल किस बात के लिए कि शादी ब्याह में शराब चल रही है, शराब पी जा रही है। अरे भैया, अगर शराब कहीं पर कोई लेकर के बैठा भी है शादी ब्याह में, ऐसा तो है नहीं कि कोई रेव पार्टी चलती है। शादी ब्याह में ये है कि अगर किसी को चाहिए तो किसी ने एक बोतल दो बोतल रख ली तो रख ली, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शादी ब्याह में भी अगर कहीं पर शराब कुछ है तो वो आसमान से तो टपक नहीं रही है, वो जाहिर तौर पर या तो बिहार में बन रही है या फिर कहीं से बॉर्डर से सप्लाई हो रही है। आप वहां पर जो शराब माफिया है वहां से तो आपके पुलिस वाले मंथली लेते हैं, महीना वहां पर वसूली करते हैं, लेकिन उनको ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आम लोग उनकी इज्जत का उछालने का काम करेंगे। देखिए, बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपको लग रहा हो कि खबर तो ऐसे ही है, ये ऐसी खबर नहीं है। केवल अपने ऊपर लेकर के देखिए, अगर आपके शादी ब्याह के कार्यक्रम में ऐसे पुलिस दबिश देने लग जाए, आपके कमरों में, आपकी बहन बेटियों के कमरे में घुसने लग जाए, तो आप बताइए आपका कितना खून खोलेगा? क्या आपको सरकार के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा कि सरकार ऐसे कमरे कमरे में जाकर के तलाशी ले? आप जरा पूरा ये वीडियो देखिए 2 मिनट तक का, फिर उसके बाद हम बताएंगे कैसे बिहार के अंदर नकली शराब को लेकर के लोग मर रहे हैं और शराबबंदी के नाम पर वहां पर नीतीश कुमार ने ढोंग रचा हुआ है। देखिए आप, है ना कमाल की बात, कैसे यहां पर पुलिस वाले बहन बेटियों के कमरे में जाकर के घुस रहे हैं। अब देखिए कुछ एक खबरें, आप देखिए कैसे बिहार में एक तरफ शराबबंदी का ढोंढोरा पीटा जा रहा है कि हमने शराबबंदी कर दी है,
और दूसरी तरफ देखिए आप बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 26 की मौत, इस साल गई 70 की जान, कईयों ने गवाई आंखों की रोशनी। यह हाल हो रहा है, 26 मौत जो है वो हो चुकी है, 70 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, जहरीली शराब जो है वो परोसी जा रही है। कहां से आ रही है जहरीली शराब? निश्चित तौर पर बिहार में बनाई जा रही है, लोग अपने से बना रहे हैं, उसको दोगुने तिगुने चौगुने दाम पर बेच रहे हैं, तब सरकार कुछ नहीं करती। 26 लोगों की मौत हो जाती है, सैकड़ों लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, कुछ नहीं करती है, आंखों वाली अंधी सरकार सोई रहती है। लेकिन अब शादी ब्याह में जाकर के, क्योंकि शादी ब्याह का मौसम है तो वहां पर जाकर के पैसे वसूलना, पैसे नहीं कोई देगा तो जाकर के आपकी बहन बेटी की इज्जत उछालेंगे, यह घटिया काम जो है वो किया जा रहा है। दूसरी खबर आप देख लीजिए, बिहार में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत, मुजफ्फरपुर में कई लोगों की रोशनी गई, इसी से जुड़ी हुई खबर है ये भी। ये आप देखिए, जागरण ने लिखा है बिहार में जहरीली शराब से काली हुई दीपावली, 3 दिनों में 26 की मौत, बहुत हुआ, अब जबरदस्त एक्शन लेंगे नीतीश, सीएम नीतीश। ये जागरण अखबार तो चापलूसी ही करेगा, इससे आप ज्यादा उम्मीद मत करिए। ये कह रहे कि बहुत हुआ, अब जबरदस्त एक्शन लेंगे, ये एक्शन लिया जा रहा है, कमाल की बात है, वाकई गुस्सा आ रहा है। आप अगर अपने बहन बेटी के बारे में सोचेंगे तो वाकई आपको भी गुस्सा आएगा कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कहीं से इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कहीं पर मेनस्ट्रीम मीडिया में इसको लेकर के बड़ी बहस नहीं हो रही कि आखिरकार बिहार के अंदर क्या गुंडागर्दी हो रही है, इसको लेकर के कोई बात नहीं कर रहा है। अब देखिए, नरेंद्र नाथ मिश्रा है, उन्होंने लिखा है बिहार में सबको पता है किस गांव में किसके पास में किस ब्रांड की शराब मिल जाएगी, सभी जगह शराब लेने के लिए गाड़ी से भी सेटिंग होती है, लेकिन वहां दबिश देने की जगह शादी और दुल्हन के कमरे में छापा मारा जा रहा है और उन्हें पकड़ा जा रहा है। सबको मालूम है, हमने बिहार के चुनाव में जब ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी उस वक्त भी सैकड़ों लोग हमसे मिले थे और उन्होंने यही कहा था कि आप पैसे दीजिए, आप शराब के ब्रांड का नाम बताइए, आपको मैं 10 मिनट के अंदर शराब की बोतल ला करके दे रहा हूं, आप मेरे को पैसा दीजिए, नाम बताइए, 10 मिनट के अंदर आपके हाथ में बोतल आ जाएगी, ये बात सबने बताई थी। लेकिन किस तरह से जो है, साल भर बीत गया लेकिन कोई हालात नहीं बदले हैं। मुकेश सिंह ने लिखा है बिहार में शादी कर रहे हैं तो 25-30 प्लेट खाना एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दे, कब मामा पहुंच जाएंगे, बोतल ढूंढते ढूंढते किसी को पता नहीं, तलाशी किसी की भी की जा सकती है, वो लड़का हो या लड़की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये दुल्हन के कमरे में घुस रहे हैं, महिलाओं के कमरे में घुस रहे हैं, महिला पुलिस भी नहीं इनके पास में, अब वहां पर बहन बेटियां शादी के समय पर कैसे अपना श्रृंगार कर रही हो, कोई कुछ पहन रही है, कोई कुछ निकाल रही है, वो सारी चीजें होती हैं, अफरा तफरी का माहौल होता है कि शादी बारात आने वाली है, जल्दी करो, ये करो, वो करो, समझ रहे हैं आप, माहौल को समझिए आप। और वैसे माहौल में इतनी गंदगी, शर्म आती है वाकई। राबड़ी देवी ने इसको लेकर के 2 ट्वीट किया है, बिहार पुलिस शराबबंदी के नाम पर बिना महिला पुलिस कर्मियों के दुल्हन के कमरों में और कपड़ों की तलाशी ले रही है, यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है, शराब बिहार में शराब कैसे और क्यों पहुंच रही है, कौन पहुंचा रहा है, इसकी जांच और खोज भी नहीं, उल्टा उनकी सरकार महिलाओं की परेशान कर रही है। तो ये देखिए सब कुछ है, बिल्कुल सही बात लिखी है राबड़ी देवी ने। दूसरा ट्वीट इनका आप देखिए, अब लोग शादी करें या तानाशाह की सनक मिटाएं, बिहार पुलिस शराब माफिया और शराब के गठजोड़ से खुद शराब मंगवाते हैं, बेचते हैं और बिकवाते हैं, उस पर कार्रवाई ना करने की बजाय आम नागरिकों को परेशान करने का, उनकी निजता का उल्लंघन करके उनके निजी जीवन में अतिक्रमण करना कौन सा कानून है, सीएम जवाब दें। नीतीश कुमार के पास में कोई जवाब नहीं होगा, उन्होंने फेविकोल पिया हुआ है, निश्चित तौर पर आप मान करके चलिए। ये देखिए आप, कैप्टन के नाम से ट्विटर यूजर ने उन्होंने लिखा है नेताओं और अधिकारियों को बिना दारू के कैसे नींद आ जाती है, यह भी एक जांच का विषय है, पर अपनी जांच करवाएगा कौन, दारू आसमान से तो टपक नहीं रही, राज्य की सीमाओं पर रोज दारू के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है, जिसकी जांच के बजाय लोगों के कमरे चेक किए जा रहे, शर्मनाक है। अब बताइए वाकई सही बात है, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो बगैर शराब के सो जा रहे होंगे, बगैर उनको पैक लगाए उनको नींद आ जा रही होगी, बिल्कुल नहीं आ रही होगी, लेकिन उनके नाम पर कौन। एक देखिए ट्विटर यूजर है राजेश के नाम पर, और इन्होंने लिखा है गुंडे करवा रहा है डपोरसन की नीतीश कुमार, और ये शब्द इन्होंने लिखा है, ये मैं नहीं बोल सकता हूं, बिहार किसी भी इज्जतदार की इज्जत सरेआम उतार दी जा रही है, बाहर से आए लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई बिहार अब जाना नहीं चाहेगा। बताइए बिहार का नाम वैसे ही जो है इतना बदनाम किया हुआ है, बिहारियों को वैसे ही इतना बदनाम किया हुआ है, और ऊपर से नीतीश कुमार का ये ढोंग, नीतीश कुमार सरकार का ये लोगों को परेशान करने वाला कार्य काम,
ये वाकई जो है शर्मनाक है, इसकी जितनी लानत मनानत की जाए उतनी कम है। बहरहाल इस खबर को शेयर जरूर करिए ताकि लोगों को पता चले कि कितना बड़ा जो है ये मसला है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है जिन लोगों के साथ में घटना हो रही है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है और पूरी उम्र अपने आप को जो है इस घटना से अलग नहीं कर पाएंगे, पूरी उम्र इस घटना को भूल नहीं पाएंगे कि कैसे बिहार की पुलिस ने उनके साथ में गुंडाई की थी। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।